नमस्कार, आप देख रहे हैं द पीपल वॉइस। मैं हूं आपके साथ रूपल शर्मा। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। विश्व प्रसिद्ध मरु महोत्सव की तैयारियों को लेकर महत्वपूर्ण बैठक जैसलमेर जिला कलेक्ट्री सभा कक्ष में जिला कलेक्टर आशीष मोदी की अध्यक्षता में हुई। इसमें आगामी 24 से 27 फरवरी तक आयोजित होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों और इनसे संबंधित तैयारियों के बारे में विस्तार से चर्चा की गई और रूपरेखा तैयार की गई। जिला कलेक्टर ने मरु महोत्सव से संबंधित सभी प्रकार की तैयारियों को समय रहते पूर्ण करने और तमाम गतिविधियों को बेहतर बनाने के निर्देश दिए। इस दौरान जिला कलेक्टर मोदी ने मरु महोत्सव की वेबसाइट jaisalmerdesertfestival.rajasthan.gov.in लॉन्च की। इस वेबसाइट पर महोत्सव से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी उपलब्ध रहेगी और साथ ही मरु महोत्सव का विस्तृत कार्यक्रम विवरण भी जारी किया गया। आपको बता दें कि मरु महोत्सव में मुख्य आकर्षण बॉलीवुड कलाकार कैलाश खेर, स्वरूप खान, आर्मी बैंड, जगमग जैसलमेर, जश्ने जैसाना, डाइन विद जैसलमेर होर्स रेस रहेंगे। बैठक में प्रमुख विभागों के कई पदाधिकारी और मरु महोत्सव की व्यवस्थाओं से संबंधित प्रतिनिधि मौजूद रहे। कोरोना वैश्विक महामारी में उत्कृष्ट कार्य करने व उपखंड देसूरी में अच्छे प्रशासन के लिए उपखंड अधिकारी राजलक्ष्मी गहलोत का जय लक्ष्मी महिला आजीविका समूह की महिलाओं द्वारा चुनरी ओढ़ाकर स्वागत किया गया। इस अवसर पर समूह की महिलाओं ने उपखंड अधिकारी के अच्छे प्रशासन और कोरोना काल में किए गए बेहतर कार्य की प्रशंसा की। उन्होंने महिला शक्ति प्रेरक के रूप में अच्छी भूमिका निभाई और उनकी कार्य प्रणाली की भी सराहना की गई। इस दौरान सरस्वती ज्ञान यश केंद्र देसूरी के निदेशक भावेश वछेठा, अध्यक्ष दिलीप चौधरी, उपाध्यक्ष तरुण चौधरी ने उपखंड अधिकारी राजलक्ष्मी गहलोत का साफा, श्री फल व माला पहनाकर स्वागत किया। कार्यक्रम में जयलक्ष्मी महिला आजीविका समूह की अध्यक्ष संतोष अचरसा सहित अन्य समूह सदस्य उपस्थित रहे। खबर राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले से है, जहां नगरी गांव में पंचायत सहायक के पद पर कार्यरत कर्मचारी पर हुए हमले से लोगों में खासा आक्रोश देखा गया, जिस पर कई सारे संगठनों ने जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा, जिसमें दोषी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की गई है। आपको बता दें, पंचायत सहायक के पद पर कार्यरत राजेश रेगर पर आनंद सिंह चुंडावत ने चाकू से जानलेवा हमला कर दिया, जिसके चलते राजेश को गंभीर अवस्था में जिला राजकीय सांवलिया जी चिकित्सालय में उपचार के लिए भर्ती कराया गया। इसके साथ ही घटना के विरोध में कई संगठन, जिसमें अंबेडकर विचार मंच, SC ST कर्मचारी महासंघ, अंबेडकर महोत्सव समिति सहित कई अन्य संगठनों ने जिला कलेक्ट्री चौराहे पर अपना विरोध प्रदर्शन करते हुए मानव श्रृंखला बनाई। और वहीं उन्होंने जिला पुलिस अधीक्षक दीपक भार्गव और जिला कलेक्टर के शर्मा को ज्ञापन भी सौंपा, जिसमें दोषी के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने की मांग की गई। इसके अलावा इस अवसर पर सुरेश खोईवास, दिनेश सालवी, गोपेश कोदली सहित अन्य पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। अभी कल नगरी में पंचायत सहायक राजेश रेगर के साथ में जो जानलेवा और प्राणघातक हमला हुआ है, उससे समस्त SC ST के संगठन और संपूर्ण समाज में बड़ा रोष व्याप्त है। उसको लेकर के और आज माननीय जिलाधीश महोदय और पुलिस अधीक्षक महोदय को ज्ञापन सौंपा गया और दोषी के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई हो और पीड़ित जो परिवार है उसको पुलिस प्रोटेक्शन मिलना चाहिए और दोषी को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। इस प्रकार की हमने माननीय जिलाधीश महोदय और पुलिस अधीक्षक महोदय को ज्ञापन देकर मांग रखी है। मांडलगढ़ तहसील के भारिंडा गांव में एक पैंथर ने हमला बोला, जहां उसने दो जनों को बुरी तरह जख्मी कर दिया, तो वहीं रेस्क्यू के दौरान गंभीर परिस्थितियों में पैंथर की मौत हो गई, जिस पर वन विभाग की टीम ने पैंथर के शव का पोस्टमार्टम कराकर उसका दाह संस्कार किया। आपको बता दें कि पैंथर पिछले कुछ दिनों से बीमार था, जो पास के जंगल से भटकता हुआ भोजन की तलाश में खेत में आ घुसा। इसके साथ ही शैतान गुर्जर के खेत में खड़ी फसल में पैंथर के होने की सूचना मिलने पर गांव में दहशत फैल गई, जहां पैंथर को देखने के लिए ग्रामीणों की भीड़ उमड़ पड़ी। इसकी सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और आखिरकार पैंथर का जाल के माध्यम से रेस्क्यू किया। इस दौरान भीलवाड़ा से आए वन्य जीव प्रेमी कुलदीप सिंह राणावत और पशु रक्षक जाकिर हुसैन पर पैंथर ने अचानक हमला कर दिया, जिससे दोनों जख्मी हो गए, जहां उनका मांडलगढ़ चिकित्सालय में उपचार कराया गया। वहीं पैंथर का रेस्क्यू करने आई टीम के साथ उपवन संरक्षक देवेंद्र सिंह जगावत, मांडलगढ़ वन रेंजर दशरथ सिंह, फॉरेस्टर लोकेंद्र सिंह, वन कर्मी लक्ष्मण सुथार, रामावतार शर्मा ने मौके पर पहुंचकर मामले को संभाला। उपखंड मुख्यालय झाड़ोल के मोर मंगरा में रहने वाले एक युवक का फांसी लगाकर आत्महत्या करने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि मृतक युवक के अपनी पत्नी से झगड़ा होने के बाद घर के पास एक पेड़ पर लटक कर आत्महत्या कर ली। परिजनों की सूचना पर ओगना थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखवाया। थानाधिकारी नाथू सिंह ने बताया कि कुकड़ाखेड़ा निवासी रामलाल की शादी मोर मंगरा निवासी अनिता से हुई। पिछले 3 सालों से युवक ससुराल में ही दुकान का काम करता था। एक दिन पति पत्नी का झगड़ा होने पर युवक वापस घर नहीं लौटा। इसके बाद गुरुवार सुबह ग्रामीणों ने युवक का शव फांसी पर लटका पाया। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच कर रही है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए द पीपल वॉइस।
Thank you.